नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर यानी कि भारत का स्वर्ग, ये स्वर्ग मोदी सरकार के लिए कितना जरूरी है, इस बात का फैसला उसी दिन हो गया था जिस दिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने की कोशिश की थी और कामयाब भी हो गई थी। तब से लेकर अब तक मोदी सरकार केवल एक ही दावा करती आई है कि जम्मू कश्मीर में हालात बदल चुके हैं, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का नामो निशान मिट चुका है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है, ये सवाल इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर से आने वाली खबरें तो कुछ और इशारा करती हैं। जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। अब आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के बजाय जम्मू रीजन को टारगेट करना शुरू कर दिया है। राज्य में पिछले 48 दिनों में तकरीबन 11 आतंकी हमले हुए। पिछले 35 दिन के दौरान सिर्फ डोडा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो चुकी है। डोडा में सोमवार रात आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक अफसर समेत 5 सैनिक शहीद हो गए। पिछले 8 जुलाई को भी कठुआ जिले के माचेड़ी इलाके में सेना के 5 जवान घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। अभी तक हुए आतंकी हमलों में लोकल लोगों की संदिग्ध भूमिका भी सामने आई है। कठुआ हमले में भी एक लोकल टूर गाइड ने मुखबिरी की थी जिसका खामियाजा सेना को भुगतना पड़ा था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने राज्य की पॉलिटिकल पार्टियों पर भी आतंकवाद को बढ़ाने का काफी गंभीर आरोप लगा दिया है। ऐसे में दो सवाल उठते हैं जो खुद के गिरबान में झांकने को भी मजबूर कर देते हैं। पहला, कहीं ISI की चालबाजी का शिकार हमारा रोह तो नहीं हो रहा। दूसरा, मुखबिर की गद्दारी और वोट की राजनीति कहीं जम्मू कश्मीर पर भारी तो नहीं पड़ रही। जम्मू कश्मीर में पिछले महीने सेना में सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। जाहिर है वजह आतंकी हमले हैं। 9 जून को रियासी में आतंकियों ने शिवखोरी से आ रहे श्रद्धालुओं के भरी बस में हमला कर दिया था। वहीं 26 जून को डोडा में एनकाउंटर के बाद 3 आतंकी मारे गए। इसके बाद 7 जुलाई को राजौरी में सेना के कैंप पर हमला हुआ। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि जम्मू संभाग में 50 से ज्यादा आतंकवादी अभी भी एक्टिव हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारतीय सीमा पर अपने लॉन्च पैड को एक्टिव कर रखा है, यानी कि उसके लॉन्च पैड को समझने और ट्रैक करने में कहीं ना कहीं भारतीय सेना को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही केवल यही वजह नहीं है, नेता और गंदी राजनीति और यहाँ के लोकल लोगों की मिलीभगत भी इंडियन आर्मी के लिए कम मुसीबत नहीं है। इस इलाके में सेना का कमजोर खुफिया नेटवर्क और आतंकवादियों के समर्थन में लोकल नेताओं के आने के कारण सुरक्षा बलों को अभियान में दिक्कत आ रही है। यहाँ के कुछ लोग देश के साथ गद्दारी करके न केवल आतंकवादियों को शेल्टर और राशन में मदद करते हैं बल्कि सेना को झूठी इंफॉर्मेशन देकर गुमराह भी करते हैं। आतंकी हमले और सर्च ऑपरेशन के बीच जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक RH स्वैन ने बड़ा आरोप लगाया है। DGP स्वैन ने कहा है कि राज्य की क्षेत्रीय पार्टियों ने वोट की राजनीति के लिए आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन आतंकवादियों को सेना मार गिराती है उनके घर सहानुभूति जताने पार्टियों के नेता पहुंच जाते हैं। उन्होंने इशारों में आतंकी संगठनों के फंडिंग पर भी सवाल उठा दिए हैं। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद एक बार फिर से उभर रहा है और ये न केवल सरकार के लिए किसी नाकामी से कम है बल्कि भारतीय सेना के लिए भी बड़ी मुसीबत बन सकता है। जम्मू कश्मीर में फैलता और बढ़ता आतंकवाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से देश को किसी मुसीबत में डाल सकता है। आज केवल कुछ जवानों की जाने जा रही है लेकिन एक एक जान हमारे देश के लिए कितनी कीमती है ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार इस ओर एक बार फिर से विशेष ध्यान दे क्योंकि अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती रहेंगी। जरूरत है इस वक्त सारी राजनीति को छोड़कर केवल और केवल इस मुद्दे को उठाया जाए कि आखिर कैसे जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंक बढ़ रहा है, आखिर इसे कैसे रोका जाए, इस बात पर विचार करने की जरूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।